नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। इछावा क्षेत्र की कलियादेव सीप नदी को बालूपाट के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बेरक टोक किस तरह अपने परिवार के लोगों को एवं छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठकर एवं एक लकड़ी के सहारे किस तरह नदी पार करने को मजबूर है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। यदि जरा सी ही लापरवाही ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन सकती है। इस सीप नदी पर ग्राम बालूपाट पर रहने वाले आदिवासियों के लिए कोई पुल आदि नहीं होने से प्रतिदिन ग्रामीणों अपनी जान जोखिम में डालकर ग्राम बालूपाट से इस पार से उस पार आने जाने को मजबूर हैं। आपकी जानकारी में बता दें कि जहां से कलियादेव सीप नदी से ग्रामीण इस पार से उस पार निकल रहे हैं, यहां से कुछ ही कदम दूरी पर कलियादेव झरना कुंड है, जहां नदी से पत्थरों पर काई जमा होने से पेड़ फिसल जाता है और फिर कलियादेव कुंड में चला जाता है, जिसके कारण इस कुंड में कई मौत का शिकार हो चुके हैं। पिछले साल भी इस कुंड में एक महिला का पेड़ फिसलने से कुंड में जा गिरी थी और मौत का शिकार हो गई थी। इस कलियादेव सीप नदी पर बने कुंड झरने को देखने पिकनिक बनाने वाली बड़ी संख्या में लोग कलियादेव पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। घटनाओं के बाद भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ग्रामीण आज भी बारिश के चलते अपनी जान जोखिम में डालकर नदी से इस पार से उस बेरकटोक आने जाने को मजबूर हैं। इछावा से जलील खान की रिपोर्ट। मेरा टीकाराम मेहता। अच्छा, ये जो कालियादेव नदी है, हाँ, इसमें से इसी तरह से ये निकलते हैं लोग? इसी तरह से निकल के जाना पड़ता है। अच्छा, आसपास के क्या लगभग कितने गांव लगे हैं? आसपास 2-3 गांव हैं अंदर। अच्छा, और भी गांव हैं। अच्छा, लेकिन ये बालूपाट गांव वाले को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो ये बच्चे जिस तरह से लेके जा रहे हैं कंधे पे बिठा के, इसी तरह से लेके हमको इसी तरह निकल के जाना पड़ता है? ये लोग क्या राखी मनाने गए थे तो वापस आए, अभी इस तरह जाना पड़ता है हमको। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।